गाइस मैंने गेम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी थी और मैं क्या देखता हूँ, गेम के अंदर आया है अज्जू भाई 94। तो गाइस फिर मैं यहाँ पे अज्जू भाई को ढूंढने लग जाता हूँ और गाइस यहाँ पे लॉबी मेरे को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ पे पीछे की तरफ मेरे को देखने को मिल जाता है और गाइस यहाँ पे सीजन 2 का बंदा और अज्जू भाई एक दूसरे को इमोट दिखा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इनको मारा जाए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो गाइस इसी चीज को देखते हुए हम पीक पे उतरते हैं एंड गाइस यहाँ पे मैं लूट वगैरह करके हटते ही हूँ कि भाई यहाँ पे एक स्क्वाड का बंदा आ जाता है एंड गाइस वो मेरे को डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे खड़ा जाता हूँ ताकि भाई वो बंदा जैसे ही सामने से आएगा मैं उसको मतलब एकदम सरप्राइज करूंगा, लेकिन गाइस वो बंदा मेरे को सरप्राइज कर देता है, पता नहीं कहाँ से आता है। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस इस बंदे को डाउन करने के बाद मैं जल्दी जल्दी से भाग जाता हूँ, अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि गाइस लोकेशन चेंज करते रहनी चाहिए अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरा स्क्वाड तो है ही नहीं था। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा और भाई आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे ये बंदा भी कोरोना वोरोना लगा के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ती जा रही थी मेरी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से भाग के यहाँ पे एक नेट डाल के जाता हूँ ताकि भाई जो भी बंदा पीछे से आए भाई मेरे पीछे अगर कोई भाग रहा होगा तो गाइस वो बंदा नॉक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ आता है लेकिन गाइस वो मेरे को देख नहीं पाता क्योंकि गाइस मेरी एबिलिटी ऑन रहती है। और गाइस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, गाइस ये बंदा मतलब बिल्कुल गोली की तरह भागता है। और गाइस यहाँ पे एक बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ तो गाइस इनका दूसरा बंदा आता है तो गाइस उसको भी डाउन कर देता हूँ। तो गाइस तीसरा बंदा ना क्रोनो लगा लेता है, सबसे बड़ी दिक्कत भाई की इज्जत डुबा दी मैं। गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई वो बंदे का कोरोना जैसे ही हटेगा मैं उसको मार दूंगा। तो गाइस यहाँ पे वो बंदा मेरे से भी ज्यादा दिमाग लगाता है, वो यहाँ पे लगा देता है वॉल। और गाइस यहाँ पे भाई मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहता क्योंकि गाइस यहाँ पे भाई वो बंदा बिल्कुल अपने आप को कवर कर लेता है। तो गाइस यहाँ पे मैं इधर की तरफ से आता हूँ तो गाइस इधर से मैं उसको मतलब थोड़ा सा डैमेज मारता हूँ लेकिन गाइस उसको इतना अच्छे से डैमेज नहीं लगता। तो गाइस यहाँ पे वो बंदा आता है तो गाइस वो बंदा मेरे को पहले ही मतलब मेरे को कवर से बाहर आने से पहले ही मेरे को मतलब डैमेज दे देता है, पता नहीं कैसे। तो गाइस मैं फिर उधर से भी भाग जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ भाई, एक तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है। तो गाइस सबसे पहले तो अपने आप को हील करना जरूरी था लेकिन गाइस यहाँ पे पूरा स्क्वाड था तो गाइस हील करने का तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि गाइस अगर हील करने बैठता तो गाइस यहाँ पे ये मेरे को मार देते। तो गाइस फिर मैं इधर से भागता हूँ तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ एक बंदे को, तो गाइस इसको मैं नॉक कर देता हूँ एंड गाइस जल्दी जल्दी से फिर अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, जो लड़की थी ना वो उसको बिल्कुल ओपी वाला हेडशॉट लगता है एंड गाइस वो डाउन हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे दो बंदे तो मैंने डाउन कर दिए और एक मैं पहले क्लियर कर चुका था। तो गाइस यहाँ पे अभी क्या बचे हुए थे, अभी उस बंदे को एक को क्लियर कर दिया था हमारे ब्लू क्रिमिनल ने। तो गाइस यहाँ पे इनका पूरा स्क्वाड खत्म ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर इस बंदे को पूरा क्लियर कर देता हूँ और गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट को पड़ने लग जाती है बहुत गंदे वाली गोलियां, लेकिन जब तक मैं उसके पास जाता हूँ वो बंदा क्लियर कर देता है सामने वाले बंदे को। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं घूमते घूमते ना पूरा का पूरा क्लॉक टावर से भी इधर की साइड पे आ जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे भाई मैं आता हूँ तो गाइस मेरे को एक लड़की बहुत गंदे वाला डैमेज दे देती है, मतलब यार बिल्कुल जरा सा ही बचता हूँ मैं। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पीछे की तरफ निकलूँ क्योंकि गाइस मेरे अंदर बहुत कम हेल्थ थी। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी पीछे की तरफ आ जाता हूँ वो कौन की एबिलिटी ऑन करके, और गाइस यहाँ पे भाई उसके टीममेट भी आ जाते हैं और गाइस यहाँ पे पीछे से मेरे टीममेट भी आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे अब हम उसको मारने वाले थे बहुत गंदी तरह से। तो गाइस मैं क्या देखता हूँ, ये लड़की इधर की तरफ आके बैठ जाती है कोने में एंड गाइस इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस फिर हम यहाँ से लूट वगैरह करने लग जाते हैं एंड लूट वगैरह करने के बाद मैं सीधा यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ सीधा आगे की तरफ। और गाइस यहाँ पे भाई मेरे को ये था कि भाई यहाँ पे बंदे हो सकते हैं एंड गाइस हमारा मेन काम था अभी अज्जू भाई को ढूंढना, जो कि पता नहीं सस्ता था कि असली था। तो गाइस यहाँ पे इस बंदे को मैं सीधा गाड़ी से टक्कर मारता हूँ एंड गाइस ये बंदा सीधा नॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे भाई मैं सोच रहा था कि भाई इसके टीममेट भी पक्का होंगे, तो गाइस इसका एक टीममेट मेरे को देखने को मिलता है तो गाइस उसको देता हूँ बिल्कुल ओपी वाला हेडशॉट एंड गाइस वो हो जाता है खत्म। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो गाइस यहाँ से इन बंदों को ख़त्म करने के बाद गाइस यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से इनकी लूट करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड गाइस मैं क्या देखता हूँ, गाड़ी के अंदर मतलब एक बंदी बैठ कर भागने कोशिश कर रही है वो भी मेरे वाली। तो गाइस यहाँ पे एक बंदी उतरती है सीधा ही उसको हेडशॉट लगता है MP40 का, उसके अंदर हेल्थ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हम उसको क्लियर कर देते हैं एंड गाइस यहाँ पे अपने 7 किल निकल जाते हैं, लास्ट तक भाई बिल्कुल ओपी वाले किल निकलवाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बंदे को मैं आते ही डाउन कर देता हूँ सीधा, बिल्कुल ओपी वाला हेडशॉट देता हूँ उसको। तो गाइस फिर हम इस बंदे की लूट वगैरह करते हैं एंड गाइस यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। और गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो गाइस हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड गाइस यहाँ पे आने के बाद हम सोच रहे थे कि भी हमको और बंदे मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरे को सीधा एक बंदा हेडशॉट देता है बिल्कुल ओपी वाला, मतलब एकदम से सरप्राइज कर देता है। तो
गाइस फाइनली मेरे टीममेट मेरे को बचा लेते हैं। और गाइस यहां पे बिल्कुल ओपी स्क्वाड खेल रहा था मेरे साथ, तो गाइस इस बंदे को तुरंत ही डाउन कर देते हैं। मतलब एक बंदा AWM का फटका मारता है, लेकिन गाइस ये मेरे को रिवाइव देना ही भूल जाते हैं। तो गाइस तब तक एक और बंदा आ जाता है यहां पे, मतलब अलग ही लेवल की बकचोदी हो रही थी। ये समझ लिया है क्या बोल रहे हैं? तो गाइस यहां पे फाइनली मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गाइस ये मेरे साथ मजे ले रहे थे। मतलब मेरे को रिवाइव कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, फिर रिवाइव कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे। तो गाइस यहाँ पे फाइनली रिवाइव हो जाता हूँ, एंड गाइस इसके बाद मेरे को अभी बंदे मारने थे, लेकिन गाइस उससे पहले मेरे को हील करना था, क्योंकि गाइस अपने अंदर हीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि गाइस सामने से बंदे आ रहे थे। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरे पास बिल्कुल लूट तो सही थी, और गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से जाकर अपने आप को हील करने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बंदा आता है, तो गाइस मैं उसको देता हूँ बिल्कुल ओपी वाला ड्रैग, एंड उसको कर देता हूँ डाउन। मतलब भाई वो भी मेरे को एकदम से सरप्राइज कर देता है, एंड गाइस मैं भी उसको एकदम से सरप्राइज कर देता हूँ। भाई मजा आया। तो गाइस जैसे मैं उस बंदे को क्लियर करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा एकदम से सामने आता है, एंड गाइस मेरे को देता है ओपी वाला हेडशॉट, एंड गाइस यहाँ पे तुरंत ही मेरे को नॉक कर देता है। तो गाइस यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे सामने वॉल भी लगाते हैं, लेकिन गाइस मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे मैं हो जाता हूँ क्लियर। तो गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइव होकर आता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस फिर से मैं वहीं पे उतरता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे लूट वगैरह करने लग जाता हूँ। और गाइस जोन भी बहुत गंदी तरह से खा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं खा रहा था, तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से लूट कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी से जाके अपने आप को हील भी करना था, क्योंकि गाइस अभी हम जोन के अंदर थे, और गाइस मेरे को डर था कि भाई अभी दोबारा से सामने से बंदे नहीं आ जाए या कोई मेरे को आसपास से ना मार दे। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से हील कर लेता हूँ अपने आप को, एंड गाइस मेरे को वेस्ट हो जाती है, वो बात अलग है, वो फटी हुई होती है। एंड गाइस यहाँ पे फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस यहाँ पे बिल्कुल ओपी वाला सीन ये था कि भाई मेरे 9 किल थे, और गाइस लास्ट तक मैं बिल्कुल ओपी वाले किल निकालने वाला था। 12 बंदे अलाइव थे। सबसे बढ़िया बात तो भाई किल्स की थी, भाई मैं किल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई किल्स बिल्कुल सही वाले निकल गए हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट भी ना बिल्कुल मतलब भूखों की तरह लूट कर रहे थे, मतलब खाए जा रहे थे, मतलब लूट कही जा रहे थे, किए जा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे मैं इनसे तंग होकर आगे की तरफ निकल जाता कि नहीं भाई तुम लूट करो, भाई तुम लूट करो, मैच तो मैं खेल लूँगा अकेला। कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस सबसे मेन दिक्कत क्या थी, भाई मेरी वेस्ट थी ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मतलब मर चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं एक बॉक्स पड़ा हुआ देखता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मेरे को रिपेयर किट मिल जाती है, और गाइस वॉल्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं जल्दी जल्दी से अपना रिपेयर किट मार के आगे की तरफ बढ़ने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी वेस्ट बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा तो हेल्थ होती है, उतनी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हाँ वेस्ट होती है थोड़ी। तो गाइस यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे को पेन घुमा के बुलाने लग जाता है, एंड गाइस ये मेरे को दे देता है यहाँ पे रिपेयर किट। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। तो गाइस हम यहाँ पे फाइनली कटोलिस्टी पे आ जाते हैं, एंड गाइस सामने ना बंदों की लड़ाई हो रही होती है, तो गाइस हम जल्दी से उसके अंदर इन्वॉल्व होने का ट्राई करते हैं ताकि हम बंदों को मार सके। वैसे थर्ड पार्टी करने का ट्राई करते हैं, इन्वॉल्व तो कहाँ होंगे हम दो बंदों के बीच में, हम पीछे से मजे लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो गाइस एक बंदे को देता हूँ ओपी वाला ड्रैग, एंड गाइस एक बंदे को कर देता हूँ डाउन। तो गाइस उस बंदे को मैं जल्दी से क्लियर करने की सोचता हूँ, तो गाइस यहाँ पे दूसरे मेरे टीममेट आ जाते हैं, तो गाइस वो बंदे भी पूरा गंदे वाला डैमेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से एक नेट डाल देता हूँ ताकि उन बंदों को जल्दी से क्लियर कर दूँ, एक नहीं वैसे तो पूरा गुच्छा ही फेंक देता हूँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे यार दादा तू बार बार मेरे से यही पूछने आ जाता है कि क्या कहना चाहते हो। भाई मैं तू समझा कर, मेरी भावनाओं को समझा कर, तू इतना अंदर मत जाया कर वीडियो के, बिल्कुल खो जाता है वीडियो के अंदर। सॉरी। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं जल्दी से वॉल को तोड़ देता हूँ, एंड गाइस इस बंदे को कर देता हूँ डाउन। तो फाइनली ये बंदा डाउन हो जाता है, एंड गाइस अभी मेरा मेन मोटिव था इसके टीममेट को मारना, क्योंकि गाइस मेरे को किल्स भी निकालने थे, आप लोगों को पता है मैं किल्स निकालता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं दूसरे बंदे को भी डाउन कर देता हूँ इनके। तो गाइस फाइनली इनके दो बंदों को मैं खत्म कर देता हूँ। तो गाइस अभी मेरे को एक और बंदा ढूंढना था कि भाई एक और बंदा इनका हो शायद से मिल सकता था मेरे को। तो गाइस यहाँ पे ये बंदे को भी मैं खत्म कर देता हूँ। तो गाइस फिर मैं यहाँ से लूट वगैरह करने लग जाता हूँ, एंड मैं सोचता हूँ कि भाई अब इस मैच को किसी न किसी प्रकार से बुइया मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस इसी चीज़ को देखते हुए हम लास्ट के बंदे को ढूंढ रहे थे, लेकिन गाइस हमको लास्ट का बंदा कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो गाइस हम सोचते हैं कि एल शेप के ऊपर होगा, तो गाइस यहाँ पे भी आके मैं चेक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ पे भाई बिल्कुल मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई एक बंदे मेरा किल चोरी करेंगे, यानी कि मेरे टीममेट। तो गाइस हम उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन गाइस वो हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, मतलब एक हिसाब से हमारी पूरी स्क्वाड का पागल बना देता है। हम पूरा का पूरा मैप घूम लेते हैं, मतलब ये छोटा सा जो एरिया होता है ना पूरा घूम लेते हैं, लेकिन गाइस हमको वो नहीं मिल रहा। तो
गाइस वो बंदा ना बिल्कुल मतलब ओपी वाला सर्वाइवर था, जो इस हिसाब से मतलब अच्छे से सर्वाइव कर रहा था, और भाई पूरे स्क्वाड के अंदर बीच में आराम से बैठा हुआ था और एक ही बंदा बचा हुआ था, सबसे मेन बात ये थी। तो गाइस मैं इधर पे आता हूं तो गाइस इधर पे मेरे को देखने को नहीं मिलता, तो गाइस यहां पे भाई मैं बिल्कुल गुस्सा हो जाता हूं। तो कभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई वो बंदा मिल नहीं रहा, मेरे को डर ये था कि भाई मेरे टीममेट मेरा किल चोरी करेंगे, उनसे पहले ढूंढ के उसको मारना है, और गाइस मेरे को कहीं पे भी फिर भी वो मिलता नहीं देखने को। तो गाइस मेरे को एकदम से वो बंदा देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहां पे भाई वो बंदे ना मतलब मेरा टीममेट पूरे रस कर देते हैं ताकि भाई मेरे को किल ना मिले, लेकिन गाइस यहां से भाई मैं पीछे से मतलब डैमेज दिए जा रहा था और गाइस यहां पे बिल्कुल ओपी वाला डैमेज दे रहा था। तो गाइस जैसे ही बाहर निकलता है तो गाइस मैं कर देता हूं इसको खत्म, एंड हो जाता है मेरा ओपी वाला भूया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और अज्जू भाई तो यार हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिले, पता नहीं क्या होता है यार वहां पे, पता नहीं शायद मर गया होगा कि यार नाम नहीं आया होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Can anybody out there, yeah.